सभी भाइयों का नमस्कार। जैसे कि आपको पता है, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। कुछ क्लासें हो चुकी हैं और ये फिफ्थ क्लास हमारी है। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं 4 क्लासें डाल चुका हूँ और इलेक्ट्रिकल की मैं 2 क्लासें डाल चुका हूँ, जो कि आधी आधी है। ठीक है, 1 क्लास 1 में आधा पोर्शन है, यानी कि 4 या 8 क्वेश्चन हो पाए थे, बाकी मैंने सेकेंड वीडियो में कर दिया था। ठीक है, तो वो जाकर देख लेना। अगर इलेक्ट्रिकल वाले हो तो वो वाली जाकर देख लेना, और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी देखना है आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन भी आपके सिलेबस में है। तो इलेक्ट्रिकल और प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही आपको पढ़ना है। ठीक है, ये बात रही इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को मैं करा रहा हूँ, और आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उतने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, या जो भी आपका कोई डाउट है, या आप क्वेश्चन कर रहे हो नहीं हो पा रहा, तो वो मेरे को कमेंट में बताइए कि सर ये इस तरीके का क्वेश्चन है, वो हमसे हो नहीं पा रहा है, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो वो मेरे को बताइए, तो मैं उसको आपको करके बताऊंगा कि किस तरीके से हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये हमारी 5th क्लास है। इसमें जो नोएडा मेट्रो में पूछे गए सारे क्वेश्चन थे वो हो जाएंगे, बाकी जो 2016 में हुआ था वो नेक्स्ट सीरीज से मैं स्टार्ट कर दूंगा। लखनऊ मेट्रो में जो 2016 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का हुआ था वो मैं स्टार्ट कर दूंगा। बाकी जो इसरो और DRDO के क्वेश्चन हैं वो सारे सेम रहते हैं, क्वेश्चन सारे सेम रहते हैं। मैं आपको एक बात फिर बता दूं, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये नोएडा मेट्रो का है, लखनऊ मेट्रो का, क्वेश्चन सारे ट्रेड के जो एप्टीट्यूड होते हैं वो सारे सेम रहते हैं, बस पूछने का तरीका बदल जाता है, क्वेश्चन सारे सेम रहते हैं। तो आपको कोई वो लेकर नहीं चलना है कि इसके हम मतलब इस पार्टीशन के क्वेश्चन कर रहे हैं या इस संस्था के हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन वही होते हैं, बस उनको पूछने का तरीका बदल दिया जाता है। और मैं एक क्वेश्चन में आपको कई तरीके के मतलब वैरायटी बता देता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, और ना ही होगी दिक्कत अगर आप समझते हो। मैं एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनते किस तरीके से बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पर लेटेस्ट अपडेट भी मिलते हैं, ITI से रिलेटेड जितनी भी पोस्टें निकलती हैं, और यहाँ पर सिलेबस भी कराया जाता है ITI का, 9th और 10th क्लास के बच्चों का भी। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो बाकी के हम 37 क्वेश्चन कर चुके थे, ये 38 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट गिव 0 आउटपुट व्हेन इट्स बोथ इनपुट्स आर हाई। कह रहा है हमारे पास ऐसा कौन सा गेट है जिसमें हम जो इनपुट है वो हाई देते हैं। हाई देने का मतलब है 1 1 इनपुट रहता है, और वो आउट हमें आउटपुट जो है हमें क्या देता है, 0 देता है। आउटपुट यानी कि उसका 0 आता है, और इनपुट हमारा 1 1 यानी कि हाई रहता है। अब मैं आपको इसमें जितने भी लॉजिक गेट बनते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको सारे बताने वाला हूँ। ठीक है, जितने भी लॉजिक गेट हमारे जो बनते हैं, अब आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि एक स्टूडेंट है, उन्होंने कहा था सर मेरे ठीक है उन्होंने हाँ ठीक उन्होंने कहा था सर लॉजिक गेट बताइए, सारे लॉजिक गेट बता दीजिए जो हमारे एग्जाम में आते हैं तो किस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब वो मैं सारे बताने वाला हूँ। अब शुरुआत करने और ध्यान से देखना है कि लॉजिक गेट और उनके नंबर भी बताऊंगा मैं, कि IC नंबर क्या होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, और लॉजिक गेट भी बताऊंगा, यूनिवर्सल लॉजिक गेट कितने तरीके के होते हैं। तो इसमें आपके लॉजिक गेट पूरे जितने भी लॉजिक गेट से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, कोई आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, सारे जो क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएंगे जितने भी लॉजिक गेट से आते हैं और पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है। अब बात करते हैं, पहले करते हैं नोट से। ठीक है, और ये लॉजिक गेट मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, मगर दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, आपकी रिवीजन हो जाएगी। ये हमारा नोट गेट है, नोट गेट इस तरीके से बनता है एरो टाइप का। ठीक है, इस तरीके का इनपुट के लिए मैं I लिखूंगा और आउटपुट के लिए मैं 0 लिखूंगा। ठीक है, इनपुट के लिए I लिख रहा हूं मैं और आउटपुट के लिए 0 लिख रहा हूं। ठीक है, और यहां पर इसकी ट्रुथ टेबल में बनाता हूं। यहां पर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बताता हूं, बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है।
ठीक है, अगर मैंने आपको बताया था कि जो नॉट गेट होता है उसको हम इन्वर्जन भी कहते हैं। पेपर में कई बार पूछा गया है कि नॉट गेट को क्या कहा जाता है, या नॉट गेट का अदर नेम क्या है, या सिंबल दे देंगे इस सिंबल को क्या कहा जाता है, आपको नॉट नहीं देंगे उसके जगह इन्वर्जन दे देंगे। तो ये इस तरीके के तीन चार वेराइटी हैं एक इस क्वेश्चन पर बन जाती हैं। ठीक है, इस पे अब इसमें क्या होता है, ठीक है अब इसमें बताता हूँ। दो तरीके के सिग्नल होंगे, दो तरीके के हमारे सिग्नल बनेंगे इसमें। एक तो होगा जीरो, यहाँ से अगर हम जीरो डालते हैं तो यहाँ पर वन हो जाएगा। ये क्या करेगा, जो हमारा सिग्नल है उसका इन्वर्जन कर देगा। जैसे ही इन्वर्जन होगा, जीरो हम इनपुट देंगे तो आउटपुट हमारा वन आ जाएगा। अगर हम इसमें अपना इनपुट वन देते हैं तो ये उसका इन्वर्जन कर देगा, उसका उल्टा कर देगा, तो ये यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, अगर प्रोफेशनल तरीके से समझा जाए तो इसको फिर समझना थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ ताकि हर एक बच्चे के समझ में आ जाए। तो ये जीरो और वन हो गया, वन और जीरो हो गया, ये क्या कर देता है, इन्वर्जन कर देता है, उल्टा कर देता है। ठीक है, इन्वर्जन कर देता है, उल्टा कर देता है। और इसको जब लॉजिक गेट, और भी जो बहुत सारे लॉजिक गेट होते हैं उसमें जब इसे यूज़ करते हैं तो आगे सिर्फ डॉट लगा देते हैं, उन लॉजिक गेट के आगे सिर्फ ये डॉट लगा देते हैं इस तरीके का। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब चलते हैं और गेट के पास। अगर बात करते हैं और गेट की, और गेट की अगर बात करें, ये भी मैं आपको गेट बता चुका हूँ, मैं सारे गेट आपको बता चुका हूँ, मगर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। ठीक है, ये और ये, इसमें दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। आउटपुट के लिए मैं ओ लिखूंगा और इनपुट के लिए मैं आई लिखूंगा। ठीक है, अब इसकी जब मैं ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, ठीक है, इसको बोल देता हूँ मैं ए और इसको बोल देता हूँ मैं बी। ठीक है, ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया। अब यहाँ पर ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। ठीक है, इसमें एक लाइन ये खींचता हूँ मैं, और एक ये, और यहाँ पर एक और ये खींचता हूँ। ठीक है, और एक ये खींचता हूँ, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ठीक है, ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, इसको क्यू से ही नोट कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू से हो गया आउटपुट हमारा, क्यू निकलेगा। अब इसमें क्या होता है, इसका सिंपल एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें जब और की बात आती है तो इसमें क्या होता है, जब भी जो इनपुट होंगे, जैसे कोई भी इनपुट है, जैसे ए और बी इनपुट है ये, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, बस और के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इससे सारे आपके हो जाएंगे, और के लिए एक ये फॉर्मूला याद रखना, बाकी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद है। अब जो सिग्नल बनेंगे वो सिग्नल किस किस तरीके से बनेंगे वो आज पेन का कलर चेंज करता हूँ। हाँ, अब हम देखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होगा। इसमें जो हमारे सिग्नल होते हैं, अब देखो किस तरीके से जाएंगे। अगर हम शुरू में जीरो और जीरो डालते हैं, जीरो ए में दिया, जीरो इनपुट बी में दिया,
तो जो ओवरऑल है 0+0, 0+0 इजकल टू 0 होता है, ठीक है। तो यहां पर ये 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं 0 और 1 की। ए में 0 देते हैं, बी में 1 देते हैं, ठीक है। या तो बी में आप 0 दे सकते हो या तो ए में 0 दे सकते हो, कोई बात नहीं है, नीचे आके वो सब मैनेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने 0 दिया प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम ए को हाई कर देते हैं और बी को लो कर देते हैं, ठीक है। बी को अब क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या इससे? नहीं पड़ेगा, प्लस करने पर 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है भाई। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 1+1, ठीक है, 1+1। अब इसको कई लोग 2 बोलोगे, बोलोगे कई लोग इसको 2 बोलेंगे, क्यों बोलेंगे वो, उनको पता नहीं है, क्योंकि बाइनरी, जब बाइनरी लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ दो ही डिजिट चलती है, एक 0, या तो वो सिग्नल 0 रहता है या सिग्नल वो हाई रहता है, इसके अलावा कोई भी डिजिट यूज में नहीं होती। एक तो ये तो लो हो गया, ये हाई हो गया, दो ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं, और दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी। जब दोनों ही सिग्नल हाई हो जाएंगे तो यहाँ पर भी हाई हो जाएगा, 2 मत कर देना, ठीक है, 2 नहीं होता। सिग्नल हाई होगा या तो लो होगा, लो के लिए हम मतलब 0 लगा देते हैं, और हाई के लिए हम 1 लगा देते हैं। तो ये हमारी और की ट्रुथ टेबल हो गई, ठीक है, ये और की ट्रुथ टेबल हो गई। अब हम बात करते हैं एंड की। आपका जो भी जितने भी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं ना, वो मैं सारे आपको यहाँ बता दूंगा, बस आपको थोड़ा ध्यान से पेशेंस रखना है और चीज़ों को समझना है। अब मैं बात करता हूँ एंड की। एंड की ये भी मैं गेट आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, एंड गेट मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता दूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ये डी शेप में होता है, एंड को आप ध्यान रखना है। एंड को आप कैसे ध्यान रखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड में जब एंड लिखते हैं, ANDE, लास्ट में क्या आता है, डी आता है, बस उसी ही शेप का, बस उसी शेप का हमारा ये जो है लॉजिक गेट बनता है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो एंड में डी आता है तो डी शेप का ही हमारा लॉजिक गेट बनता है, ठीक है, बस इतना याद रखना है, और बाकी सारे डिफरेंट होते हैं, सिर्फ कन्फ्यूजन इन दोनों में होती है, ठीक है। अब जो कन्फ्यूजन में है वो मैंने आपको ही दूर कर दिए। यहाँ पर ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ठीक है, यहाँ पर ए लेते हैं और ये हम बी लेते हैं, और यहाँ पर फिर से एक ट्रुथ टेबल बनेगी, ठीक है, यहाँ फिर से एक ट्रुथ टेबल बनेगी, यहाँ पर आई हो गया, यहाँ पर ओ हो गया, यहाँ पर ए बी, ठीक है, इसको क्यू बोल देते हैं। अब जो यहाँ पर बनेगा, ठीक है, इस तरीके से ये बन चुका है। अब इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको, फॉर्मूला क्या होगा। इसमें इनपुट जो हमारे हैं वो ए है और बी है इनपुट, ठीक है, और इसका फॉर्मूले की बात करें तो ए इंटू बी होता है इसमें फॉर्मूला, ठीक है, ए इंटू बी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए इंटू बी इसका फॉर्मूला होता है। अब करना क्या है, उसी तरीके से करना है इसको भी, ठीक है, जिस तरीके से ऊपर किया है उस तरीके से इसको भी करना है। अब जब 0 × 0 करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है, यहाँ पर 0 करो, यहाँ पर 0 करो, जब ये इसके अंदर जाके इंटू होगा तो ये यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब जब 1 × 0 करोगे, ठीक है, 1 में किसी की भी, 0 में किसी की भी मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही हो जाता है, ठीक है, तो ये भी, ये और जो आउटपुट आएगा वो भी 0 हो जाएगा। अब चाहे इसको 0 करके इनटू बी को 1 कर दो, तब भी आउटपुट हमारा 0 आएगा, ठीक है, इसको 1 कर दो, 1 कर देते हैं, इसको इसको 0 कर देते हैं, तब भी हमारा आउटपुट जो आएगा वो 0 आएगा। एक ही कंडीशन बनेगी जिसमें जो हमारा आउटपुट है वो 1 आएगा, यानी कि हाई आएगा, 1 × 1 इक्वल टू 1, ठीक है, एक यही कंडीशन है जिसमें हमारा जो
आउटपुट है वो हाई आएगा। ठीक है, अब मैंने ये सारी ट्रुथ टेबल आपको बता दी है और इसको ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, ये सारी ट्रुथ टेबल मैंने आपको बता दी सारी। ठीक है, इस तरीके से ये सारी मैंने आपको ट्रुथ टेबल बता दी। ये नॉट और एंड, अब नॉर और एंड से बनने वाले कुछ ट्रुथ टेबल मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, इसका ये फॉर्मूला याद रखना है और इसका ये फॉर्मूला याद रखना, बाकी ये आप अपने तरफ से निकाल ही लोगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा। बाकी मैंने बहुत अच्छा कोशिश करी है समझाने की, और बाकी अगर आपके नहीं आता फिर भी समझ में तो मेरे को बता देना कमेंट करके। अब कुछ जो बनते हैं और से और एंड से उनकी बात कर लेते हैं हम। ठीक है, और से बनता है नॉर, ठीक है। एन से मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले जब क्वेश्चन आया था उसमें भी बताया था, एन का जो यूज़ किया जाता है वो एज अ नॉट यूज़ किया जाता है, एज अ इन्वर्जन यूज़ किया जाता है। एन का मतलब होता है नॉट, यानी कि इन्वर्जन, यानी कि ये अब क्या करेगा, और की जितने भी आउटपुट आए थे, यहाँ देखोगे जितने भी ये और के आउटपुट आए थे उनको क्या कर देगा, इन्वर्जन कर देगा, उनको उल्टा कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, जैसे यहाँ पर ये आए हुए ना, एक सेकेंड, यहाँ पर ये आए हुए हैं, ये वैल्यू आई हुई है, ठीक है, आउटपुट में, अब जो आउटपुट आएगा ना उसका ही उल्टा कर देगा। ठीक है, नॉट जो लगा हुआ है, जो इन्वर्जन लगा हुआ है, एन लग गया तो यानी कि इन्वर्जन लग गया, ये सारी वैल्यू को उल्टा कर देगा। अब जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ किस तरीके से इसका डायग्राम वगैरह बनता है। ठीक है, ग्रीन ही ले लेता हूँ, ठीक है, ग्रीन से ही समझा देता हूँ। ठीक है, ये इनपुट हो गए, ये आउटपुट, ये इनपुट ए और ये हमारा बी और ये इनपुट है हमारा। ठीक है, अभी ये और का है, अभी ये सिंबल और का है, अभी ये सिंबल और का है। अब इसको हमें नॉर का बनाना है तो क्या करना है, आपको मैंने क्या बताया था, ये चीज याद रखो, नॉट के लिए मैंने क्या बताया था, इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये नॉट ही है, इसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा डॉट। अब जब हम इसको डॉट लगाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर एक आ जाएगा डॉट, डॉट लग गया, मतलब जो भी इनपुट यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आउटपुट निकल रहा है, फिर उसका ये इन्वर्जन कर देगा, उसका उल्टा कर देगा। ठीक है, अब और इजी तरीके से समझने के लिए अभी मैं आपको ट्रुथ टेबल बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा सारा। अब इन्वर्जन का मैंने आपको बता दिया कि उल्टा कर देता है। ठीक है, अब मैं इसका ट्रुथ टेबल बना देता हूँ, ये आई हो गया हमारा, ये ओ आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, ये ए और ये बी है हमारा। ठीक है, ये क्यू वन यानी कि क्यू लिख देते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर एक और बनेगा, वो इन्वर्जन के लिए बनेगा। ठीक है, एन के लिए, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ यहाँ पर। अब इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर ये ऐसे, और ये हमारा क्यू है। ठीक है, इसको यूं करके खींच देता हूँ। ठीक है, ये क्यू डैश हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू का इन्वर्जन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इस क्या कहा था, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था ए प्लस बी और का जो फॉर्मूला था, और का फॉर्मूला मैंने याद करने के लिए कहा था। ठीक है, ए प्लस बी है, अब यहाँ पर जीरो, अभी मैं आउट इनपुट लिख देता हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इनपुट की। ठीक है, ये हो सकता है, यहाँ पर वन हो सकता है, यहाँ पर जीरो हो सकता है, और यहाँ पर वन हो सकता है, यहाँ पर वन हो सकता है, इतनी ही पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं।
इनपुट सिग्नल देने की, ठीक है। अब यहाँ पर 0 + 0 क्या होता है, 0 होता है, 0 + 1 कितना होता है, 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, 1 + 1 अगर सिग्नल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 मत कर देना, 1 होता है। ये मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से होगा, ठीक है। अब क्या करेगा, ये जो इन्वर्जन लगा हुआ है, ये जो इन्वर्जन लगा, ये क्या करेगा, इसको उल्टा कर देगा, जितनी भी ये वैल्यू आई हुई है, ये वैल्यू इनका इन्वर्जन कर देगा, ठीक है। अब इसका इन्वर्जन करेगा किस तरीके से, वो आइए हम देखते हैं। 0 को क्या करेगा, एक सेकेंड, कलर सही नहीं है, हाँ ये सही है। 0 को क्या कर देगा, 1 कर देगा, 1 को क्या कर देगा, इन्वर्जन करके 0 कर देगा, इस 1 को क्या करेगा, 0 कर देगा, और इस 1 को क्या करेगा, इसको भी 0 कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू का इन्वर्जन हो जाएगा, ये जो इसके आगे, जो इसके आगे ये एन लगा है, इन्वर्जन लगा है, ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से काम करता है, ये भी बता दिया इसकी ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनती है, वो भी मैंने आपको बता दिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। यानी कि आपका नॉट से बनने वाला, और से बनने वाला, और जो एंड से बनने वाला, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हो जाएंगे। अब जो है ये नॉर से बनने वाला, इसके भी आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसका सिंबल देख के आप पहचान लोगे कि ये नॉर है या और है, बस आपको ये डॉट देखना है, अगर ये बीच में डॉट है तो ये आपका नॉर हो जाएगा। इसमें मैंने आपको करीबन करीबन 15 से लेकर क्वेश्चन करा दिए इसी क्वेश्चन में ही, ठीक है, इसी क्वेश्चन में ही अलग अलग तरीके से पूछने वाले सारे क्वेश्चन करा दिए। अभी मैं आपको नैंड का बता देता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके, ठीक है, आपके लॉजिक गेट पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं ले लेता हूँ यहाँ पर रेड। अब बात करते हैं नैंड की, ठीक है, अब बात करते हैं नैंड की। अब जो नैंड है वो किस तरीके से बनेगा वो आइए हम देखते हैं। पहले हम मैंने क्या बताया था कि एंड में लास्ट में डी आता था, उसी की शेप का हमें लॉजिक गेट दिखेगा, ठीक है भाई, उसी तरीके का हम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो बना दिए भाई, ठीक है। ये इनपुट हो गया हमारा, ये आउटपुट हो गया, आउटपुट के लिए हमने बना दिया टर्मिनल, ठीक है, और इसको हम ए बोल देंगे, इसको हम बी बोल देंगे, इसको क्यू बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ अधूरा लग रहा है, वो क्या अधूरा है, ये जो हमारा एन है इसका तो हमने यूज़ किया नहीं, इसका यूज़ कैसे होगा, डॉट लगा कर होगा। अब हम डॉट लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये हमने डॉट लगा दिया, यानी कि डॉट बोले तो नॉट लगा दिया, या इन्वर्जन लगा दिया कहा जाए तो ये हमने इन्वर्जन भी लगा दिया, ठीक है। अब हम इन्वर्जन तो लगा दिया, अब इसका जो फॉर्मूला होता है, इसकी पहले मैं ट्रुथ टेबल बना देता हूँ, फिर मैं इसकी फॉर्मूले पे आता हूँ, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट कर दिया करो, मैं बता दिया करूँगा आपको, ठीक है, क्योंकि पूछने से ही नॉलेज इन्हेंस होगी आपकी, बढ़ेगी, डाउट जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक दिक्कत होती रहेगी, तो पहले आपको डाउट क्लियर करने हैं सारे के सारे, ठीक है, जो भी हल्का फुल्का डाउट हो, क्योंकि हल्के फुल्के डाउट से आप पेपर देने नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ 4 ऑप्शन आते हैं और 4 में से कोई एक सही करना होता है, और हल्का भी डाउट हुआ 2 में भी आपको डाउट हुआ ना, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि आप उसमें 50% क्वेश्चन गलत करके आओ। तो जब ही कहा जाता है कि जितने भी आपके डाउट हैं उनको तुरंत हाथ के हाथ क्लियर कर लीजिए, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए, वो फ्री है, बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री। अब बात करते हैं इसकी, 1, इसमें 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, उसी के हिसाब से मैं इसमें ब्रैकेट बना देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, वाइट कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अब इनपुट की पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 0 हो सकती है, या तो 0 या 1 हो सकती है, या तो 1 और 0 हो सकती है, या एक सेकेंड 0 हो सकती है, या 1 और 1 हो सकती है। इसका फॉर्मूला जो मैंने बताया था एंड का, ठीक है, एंड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ए इंटू बी, और इसे मैंने काफ़ी डीपली समझा भी दिया आपको, ठीक है, यहाँ पर 1 है ये। अब 0 × 0 क्या होगा, 0 होगा, 1 × 0 0 होगा, 0 × 1 ये भी 0 होगा, यहाँ 1 × 1
वन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका होगा इन्वर्जन। अब इन्वर्जन किस तरीके से होता है वो आइए देखते हैं। पहले मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर इन्वर्जन होगा। ठीक है, यहाँ पर इन्वर्जन होगा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। जीरो का इन्वर्जन होगा क्या होगा, वन हो जाएगा। जीरो का इन्वर्जन होगा क्या होगा, वन हो जाएगा। और वन का जब इन्वर्जन होगा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो आउटपुट आएंगी, जो इसमें आउटपुट निकलेगा, जो ये हमारा यहाँ पर आउटपुट निकलेगा ना, यहाँ पर और यहाँ पर आउटपुट जो निकलेगा वो आउटपुट ये निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट गेट लग चुका है, इस वजह से ये आउटपुट निकलेंगे अब। ठीक है, ये नहीं निकलेंगे, ये जब निकलते हैं यहाँ पर नॉट नहीं होता, जैसे ही नॉट लगा दिया इन्वर्जन होके अब आउटपुट ये निकलेंगे। आप इनपुट में ये डिजिट दोगे तो आउटपुट में आपकी ये डिजिटें निकलेंगी। ठीक है, आप सिग्नल दोगे 0 0, ठीक है, तब आपका जो नैंड गेट है वो कैसे बिहेव करेगा, वो हाई सिग्नल देगा आउटपुट पे, उस तरीके से ये आपको बिहेव करने वाला है। ये इसका फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको बता दिया है। जितने भी तरीके के क्वेश्चन है वो मैंने सारे बता दिए हैं आपको। अब आइए क्वेश्चन क्या था वो देखते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट, कौन सा लॉजिक गेट है जो हमें गिव्स आउटपुट 0 0 आउटपुट देता है जब हम उसको उसकी जो दोनों इनपुट्स हैं उसमें हाई हाई जो हमारा सिग्नल है वो देते हैं। आइए देखते हैं किसमें है। इसमें हाई देने पर एक सेकेंड क्या कह रहा, लॉजिक गेट 0 आउटपुट व्हेन इट्स बोथ इनपुट्स, उसकी दो इनपुट्स हैं जिसमें हाई हाई जो हमारा सिग्नल दिया गया है। ठीक है, अब करते हैं पहले और देखते हैं, और में यहाँ पर हाई है, दोनों में हाई देने के बाद यहाँ पर आउटपुट जो है हमारा क्या आना चाहिए, लो आना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाई इनपुट है, ये हाई इनपुट देने पर जो हमारा आउटपुट है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये दो हाई है इनपुट, 0 आउटपुट नहीं है, तो ये हमारा और गेट नहीं हो सकता। एंड की बात करते हैं, एंड की बात करते हैं, तो ये 1 और 1 × 1 यानी कि 1 और 1 दोनों हाई देने पर यहाँ पर हाई आ रहा है, तो यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, और बात करते हैं नॉर की। अब नॉर में ऐसा है, 1 और 1 इनपुट, दोनों इनपुट हाई करने पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। और बात करें नैंड गेट की, तो यहाँ पर भी इनपुट जब हम हाई दे रहे हैं तो यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो हमारा इन्वर्जन होके 0 आ जा रहा है, तो या तो नॉर होगा या तो नैंड होगा। ठीक है, दोनों में से एक होगा। अब यहाँ पर जो दिया गया है, नॉर भी दिया गया है और नैंड भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, क्योंकि यहाँ पर और होना चाहिए। अभी मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये यहाँ पर और होना चाहिए था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, उनको थोड़ा समझना होता है। ठीक है, हाँ मैं कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका और हो गया, एक्सोर हो गया, नैंड हो गया और एंड हो गया, तो आपका ये एंड जो नैंड वाला है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें जितने भी लॉजिक गेट बनते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, जितने भी नहीं जो पेपर में पूछे जाते हैं वो सारे मैंने करा दिए। ठीक है, अब ये इसकी कुछ मैंने बनाई हुई है, जो नैंड गेट के लिए हम 7408 IC यूज़ करते हैं, नॉर और के लिए हम 7432 IC यूज़ करते हैं, नॉट के लिए 7404 IC यूज़ करते हैं, नॉर के लिए 7402 IC यूज़ करते हैं, और नैंड के लिए 7400 IC यूज़ करते हैं, और एक्सोर के लिए 7486 IC यूज़ करते हैं, और एक्सनॉर के लिए 7266 यूज़ करते हैं। इसमें से आपको जो याद करनी है वो ऊपर की ये 5 IC हैं जो कि आपको याद करनी है, ये 5 IC हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, लर्न होनी चाहिए ये IC। अब बात करते हैं 39 क्वेश्चन है, मैंने आपको सब जो जितने भी गेट बनते हैं वो सारे करा दिए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, बस आपको उतना ही पढ़ना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब 39 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल इज नॉट रिलेटेड मॉस्फेट। मॉस्फेट में आपको पता हो तो कितने होते हैं, सोर्स होता है, ड्रेन होता है और एक गेट होता है, सोर्स ड्रेन और गेट, बाकी का कोई भी उसका टर्मिनल नहीं होता, तो सोर्स हो गया, ठीक है, गेट हो गया, ड्रेन हो गया, ये तीन टर्मिनल होते हैं। बेस हमारा ट्रांजिस्टर का टर्मिनल होता है जो कि मिरर टर्मिनल होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर में बीच में लगा रहता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो बेस है वो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि बेस मॉस्फेट का कोई भी टर्मिनल नहीं होता है। ये पी टाइप टर्मिनल पी चैनल मॉस्फेट है, ये एन चैनल मॉस्फेट है। ठीक है,
ये इसका सोर्स हो गया, ये ड्रेन हो गया, ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया, और ये हमारा गेट है, और ये यहाँ पर हमारा गेट है यहाँ, ठीक है, ये हमारा गेट है। अब चलते हैं 40 क्वेश्चन के ऊपर। करंट कैरियर इन द पीएनपी ट्रांजिस्टर आर। अब पीएनपी से मरने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो मैं सारे करा रहा हूँ, ठीक है, फिर बाद में मत बोलना सर मेरे को कराया नहीं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पीएनपी से वो मैं सारे बता दूंगा, ठीक है। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। और ये मैं पहले भी बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, पहले जब आपने फर्स्ट या सेकेंड में मेरी क्लास देखी होगी उसमें मैं बिल्कुल डीपली पढ़ाया है इसको, पीएनपी और एनपीएन में बिल्कुल देसी भाषा में। अब इसको बिल्कुल देसी भाषा में समझते हैं क्योंकि किताब का समझ में नहीं आएगा, और इजी तरीके से जब मैं समझाऊंगा वो समझ में आ जाएगा। बिल्कुल देसी भाषा से, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं उनको जाओ भूल, ठीक है। अब पी से समझना आपको पॉजिटिव और एन से समझना नेगेटिव, एन मतलब नेगेटिव समझ के चलना है और पी से हमें पॉजिटिव समझ के चलना है, ठीक है। बिल्कुल देसी भाषा में समझाने वाला हूँ, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी समझने में, वरना किताब से समझने जाओगे आपके कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है, इतनी टिपिकल लैंग्वेज में लिखा रहता है वो। अब बात करते हैं पीएनपी में, ठीक है। अब मैं बता दूं, जो एक जो बेसिक फंडा है वो आपको पता होना चाहिए। एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बनते हैं उसमें जो इंप्योरिटी मिलाई जाती है, मिलाने से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उस मेटल में, उस सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, उसमें होल्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाते हैं तो उसमें होल्स की मात्रा याद हो जाती है। ये दो पॉइंट बस आपको याद रखने हैं, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये वाले, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव क्या क्या बताया मैंने, नेगेटिव का एन का मतलब नेगेटिव, और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर की पॉजिटिव होता है और इसमें होल्स होते हैं। अब मैं बात करता हूँ, अब बिल्कुल देसी भाषा में आपको इसमें क्या ज़्यादा दिख रहा है, एन ज़्यादा दिख रहा है या पी ज़्यादा दिख रहा है, पी ज़्यादा दिख रहा है ना, तो पी ज़्यादा दिख रहा है। पी से क्या बोला था मैंने, क्या ज़्यादा होना चाहिए, होल्स होने चाहिए, ठीक है। पी से पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स ज़्यादा होते हैं और इसमें दो पी आ रहे हैं, यानी कि जो होल्स हैं उनकी मात्रा हमारी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर होल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये बता दिया मैंने आपको, दूसरा ये बताता हूँ, अगर यहाँ पर एन पी एन होता, अगर यहाँ पर पी एन पी की जगह एन पी होता तो यहाँ पर क्या आपको ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पर एन ज़्यादा दिख रहा है, तो कैरियर क्या होता आपका, इलेक्ट्रॉन्स होते, उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा होती क्योंकि दो एन आ रहे हैं और एक पी आ रहा है। अब मैं दो क्वेश्चन ये हो गए, अब मैं तीसरा क्वेश्चन ये बताता हूँ कि आपको इसमें ये कैसे पहचानना है कि इसका बेस कौन सा है, एमिटर कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है। हमेशा बीच वाला जो होता है वो हमारा बेस होता है, ठीक है, बेस। अब बेस को कैसे पहचानोगे कि यही बेस होता है, हमें कैसे याद रहेगा बेस होता है ये, ठीक है। तो ए बी और सी, जब ए बी सी जब हम लिखते हैं तो बी हमारा हमेशा मिडल में आता है, इससे आपको याद रहेगा कि बेस हमारा मिडल में होता है। और बेस अगर हमारा मिडल में है, बेस हमारा अगर मिडल में है, तो मैंने आपको ये बताया था जो हमारा एमिटर हो जाता है, एमिटर अगर एन टाइप का है तो कलेक्टर भी हमारा एन टाइप का होता है, अगर एमिटर हमारा पी टाइप का है तो हमारा कलेक्टर भी हमारा पी टाइप का हो जाता है। अब इसमें बात करते हैं कि इलेक्ट्रो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि पहचानेंगे कैसे टर्मिनल, वो मैंने बता दिया, यानी कि तीन क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो हमारे जो करंट फ्लो होता है वो मतलब एमिटर टू बेस होता है, बेस टू कलेक्टर होता है, कलेक्टर टू बेस होता है, या एमिटर टू कलेक्टर होता है, कलेक्टर टू बेस होता है, क्या होता है। तो एक क्वेश्चन मैं इसका ये बता देता हूँ आपको, बिल्कुल ईजी भाषा में बता देता हूँ। हमेशा जो करंट फ्लो होता है, हमेशा जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, पॉजिटिव टू वर्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है हमारा, ये बात आपको याद रखनी, ये आपको बेसिक है और पता भी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या बताया था, पी के लिए पॉजिटिव और एन के लिए नेगेटिव, ठीक है, ये मार्किंग पे ध्यान देना है थोड़ा। अब मैं बनाता हूँ ये पी एन पी, पी एन पी ही मैं ट्रांजिस्टर बना देता हूँ एक, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं एन लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं पी लिख देता हूँ,
और यहाँ पर मैं पी लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन यही बन गया कि यहाँ पर जो एनपी पीएनपी का है, पीएनपी का सिंबल, ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसा होता है। ठीक है, अब एरो एक बाहर की तरफ आ जाएगा और एक एरो अंदर की तरफ आ जाएगा। अब कैसे पहचानना है आपको, जब मैंने क्या बताया यहाँ पर करंट फ्लो कहाँ से होता है, पी से मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, यानी करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। जब यहाँ से यहाँ फ्लो होगा तो जो एरो है वो हमारे इस डायरेक्शन में बन जाएगा, और जैसे ही हमारा एरो इस डायरेक्शन में बन जाता है वैसे ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाता है, इसको हम पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलेंगे। ठीक है, इसको हम पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलेंगे। तो ट्रांजिस्टर को मैंने बता दिया किस तरीके से हम पहचानेंगे कि पीएनपी है एनपीएन है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन ये हो गया आपका। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना ट्रांजिस्टर से, वो सारे आपके यहाँ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कहाँ से होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, जहाँ एरो जिस टर्मिनल पे एरो बन जाता है उसको हम एमिटर बोल देते हैं। ठीक है, उसके सामने वाला कलेक्टर हो जाता है, और जो मैंने बताया मिडल वाला वो बेस हो जाता है। ठीक है, ये आपके पॉइंट हो गए यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ, आपने ट्रांजिस्टर को पहचान लिया, चलो ठीक है ट्रांजिस्टर को पहचान लिया। अब कैसे पता चलेगा कि ये करंट जो फ्लो होता है वो एमिटर टू बेस होता है, बेस टू कलेक्टर होता है, कैसे पता चलेगा। ऐसे पता चलेगा ये क्या है पॉजिटिव होता है और ये क्या नेगेटिव। मैंने बताया एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर वो मटेरियल को भूल जाइए भी कुछ समय के लिए। आपने मार्किंग कर दी, ये एमिटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, आपने मार्किंग कर दी, ये पी है, ये एन है, ये पी है। ठीक है, इसके बिहाफ पे, ठीक है, जो वहां पर क्वेश्चन दिया गया। अब इसको जो करंट फ्लो होता है मैंने बताया था पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन पूछ ऑप्शन दिया जाएगा वहां पर दिया जाएगा एमिटर टू बेस। ठीक है, बेस टू एमिटर, ठीक है, बेस टू कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर टू एमिटर टू कलेक्टर, इस तरीके से होंगे क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ऑप्शन इस तरीके से होंगे, और क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि जो करंट फ्लो होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर में वो किस तरीके से फ्लो किया जाता है, कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल तक जाता है। तो आपको ये देखना है पी, और यहाँ पर ये पी दिया हुआ है, एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लूँ इसका। ये हमें पी दिया गया और ये हमें एन दिया गया है, बस यहीं से दो को पकड़ना है। एन वाला बेस होता है, पी वाला पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होगा, यानी कि एमीटर एमीटर टू बेस करंट हमारा फ्लो होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो ए हो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, और सिक्स्थ क्वेश्चन ये बता देता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ पर एन पी एन है, एन पी और एन है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा बेस हो गया, ये हमें पता है। दोनों में से कोई सा भी एमीटर मान लेना है, तो हमने मान लो यही मान लिया एमीटर। ठीक है, एमीटर यही मान लिया। एन का मतलब बताया था मैंने नेगेटिव, और पी का मतलब बताया था पॉजिटिव। तो करंट जो फ्लो होगा वो पी से एन की साइड होगा, पी से एन की साइड होगा, यानी कि बेस टू एमीटर होगा। तो उस केस में हमारा ये आंसर, ये जो ऑप्शन है वो सही रहेगा, और उसको हमें टिक करना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन ट्रांजिस्टर से बनते हैं वो मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए, छह क्वेश्चन मैंने एक ही क्वेश्चन में मैंने छह क्वेश्चन आपको बता दिया, और बहुत बढ़िया तरीके से बताएं। अगर कोई भी डाउट हो तो फिर कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। बाकी चलते हैं आगे, और ट्रांजिस्टर से जितने भी आपको पता हो क्वेश्चन वो बता देना। बाकी मेरे जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन पेपर देखे हैं सभी के मैंने क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं जितने भी ट्रांजिस्टर से बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर होल्स इज राइट आंसर, ये होल्स सही आंसर है। अब बात करते हैं द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मैंने बताया था वी इज इक्वल टू आई आर। एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ बन रही है कि नहीं। ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, वी इज इक्वल टू आई आर, ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। ठीक है, अभी मैं व्हाइट ले लेता हूँ, व्हाइट से थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा। वी इज इक्वल टू आई आर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, ये ओम्स लॉ है, इसको ही ओम्स लॉ कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये, अब इसको पहचानेंगे कैसे, क्योंकि इसकी तो कई सारी वैरायटी हैं, कैसे पहचानेंगे। पहला क्वेश्चन यही है कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ कैसा मतलब क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता चल गया। अब इसकी कितनी वैरायटी बन सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। वी हमारा यहीं रहेगा,
आई यहाँ है और आर यहाँ है, आई को उठा के यहाँ कर दो, जैसी आई इनटू में से, एक सेकंड मैं इसको और इजी तरीके से समझाता हूँ, ठीक है, और इजी तरीके से समझाता हूँ। जो भी आपके भाई बंधु हों सभी को इस चैनल में ऐड कर लेना, ताकि ठीक है, ताकि ये चैनल थोड़ा सर्वाइव कर पाए और मैं और भी बढ़िया अपनी जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ, ठीक है। तो इसलिए अपने जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, जितने भी भाई हैं और जितने भी बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं, भाई बहन वगैरह, सभी को ऐड कर लेना, कोशिश करना सभी को ऐड कर लेना, ठीक है। बाकी मैं बता ही रहा हूँ, वी इजकल टू आई इंटू आर। आपको मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन पता होगी, जब ये यहाँ से इक्वल टू के वहाँ जाता है तो ये डिवाइड में पहुँच जाता है, और जैसे ये डिवाइड में जाएगा तो वी अपॉन आई इजकल टू आर, ठीक है। एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, इसको याद रखना है, इसको एक टर्म ये हो गई, ठीक है, ये वन हो गई, ये टू हो गई। अब मैं थ्री तीसरी टर्म में आपको बताता हूँ, ठीक है। अब वी वहीं रख देना है, आई यहाँ लेके आना है इंटू आर। अब क्या करना है, आर को उठा के इधर भेजना है, जैसे आर इंटू से ब्रैकेट के उस साइड जाएगा तो वो हो जाएगा वी अपॉन आर इजकल टू आई, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड एक एक्सप्रेशन हो गई, ये हमारी थर्ड एक्सप्रेशन हो गई। तो ये तीन तरीके की एक्सप्रेशन बनती हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये तीन तरीके की एक्सप्रेशन बनती हैं, तीनों पता होनी चाहिए, ठीक है। और देखते ही आंसर कर देना, देखते ही आंसर कर देना, इसीलिए मैं आपको इजी तरीके से समझा रहा हूँ। वी इजकल टू आई आर, अब आर को उठा के इसके नीचे, और इस कंडी इसमें आर को, इसमें आर को उठा के नीचे कर दिया, इसमें आई को उठा के नीचे कर दिया, बस ये एक्सप्रेशन हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे आर इजकल टू वी आई आर, वी अपॉन आई, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, और एक और पावर का फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। पावर का होता है वी इंटू आई, वी इंटू आई होता है, ठीक है। अब v को हम क्या लिख सकते हैं, v को हम लिख सकते हैं, अभी मैं कलर चेंज करता हूँ, v को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर v देखो किस किस तरीके से लिखा गया है। v को हमने क्या लिखा है, v इजकल टू क्या होता है आई आर, वी बराबर होता है आई आर के, तो यानी कि v के जगह हम i और r भी लिख सकते हैं, i इंटू आर, ये हमने v की जगह रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर i तो पहले से है ही, ये आई है ना, वो यहाँ पर उठ के आ जाएगा, तो यहाँ पर आई हो गया। और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, मतलब जब ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये आई है वो स्क्वायर हो जाएगा और इनटू आर हो जाएगा, तो ये इक्वल टू पी हो जाएगा, पी बोले तो पावर, ठीक है, जो पावर होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है यहाँ पर। अब इसमें जो एक्सप्रेशन है वो आपको याद रखना है, एक एक्सप्रेशन ये याद रखना, पेपर में कई बार पूछा गया है, और एक एक्सप्रेशन ये याद रखना है, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये फाइव हो गया और ये फोर हो गया, यानी कि इसमें मैंने चार तरीके के क्वेश्चन आपको बता दिए, एक ही क्वेश्चन में मैंने चार तरीके के क्वेश्चन बता दिए आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट में, ये राइट आंसर है, ठीक है। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर, ठीक है, बाइनरी नंबर किस तरीके से किया जाएगा, बाइनरी को मतलब डेसिमल में किस तरीके से किया जाएगा, वो आइए हम देखते हैं। वाइट कलर ग्रीन ले लेता हूँ उस बार, ठीक है। अब यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ, लास्ट से लिखना स्टार्ट करना, हमेशा लास्ट से पहले आप डिजिट लिख लीजिए वन, ठीक है, स्पेस दे के प्लस वन, फिर स्पेस देके प्लस ज़ीरो, फिर स्पेस देके प्लस वन, फिर स्पेस देके प्लस ज़ीरो। ये आपको क्यों बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, और भी कई तरीके होंगे आपके खुद के, तो वही अप्लाई कर लेना, वरना मैं तरीका तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर लेते हैं क्या, यहाँ पर लेते हैं टू इंटू टू की पावर ज़ीरो, 2 इंटू टू की पावर 1, 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बाइनरी में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर 2 की पावर 2, ठीक है, और यहाँ पर 2 की पावर 3, और यहाँ पर 2 की पावर
फोर। ठीक है, अब क्या करना है वो देखिए, जीरो वाले काट दीजिए, जीरो वाले जितने भी जीरो वाले हैं वो सारे काट दीजिए। ये जीरो है इसको काट दो, ये जीरो है इसको काट दो, इसका कोई मतलब नहीं है। अब जो वन वन वाले बचे हैं वो देखते हैं कितने, जब टू की पावर वन होती है तो वो टू ही कहलाया जाता है, टू की मल्टीप्लाई वन से होती है तो वो टू हो जाता है, यानी कि ये टू का ये प्लस। ठीक है, दो की पावर ये तो कट गया, तीन की पावर तीन यानी कि दो की पावर तीन यानी कि आठ होता है। ठीक है, एट वनजा एट, तो यहाँ पर एट हो जाएगा, और यहाँ प्लस तो है, ये प्लस है ये भी प्लस। ठीक है, प्लस 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 ही है। अब यहाँ पर बात करें तो दो की पावर चार। ठीक है, टू टू जो फोर, टू जो एट, टू जो सिक्सटीन, यानी कि ये हो गया 16 हमारा, और यहाँ पर प्लस। तो अब इनको क्या करना है, प्लस कर देना और कुछ नहीं करना। ठीक है, इनको क्या कर देना, प्लस कर देना, ये हो गया आठ। ठीक है, आठ आठ 16, यानी कि 26 इसका राइट आंसर है। छब्बीस इसका राइट आंसर है, और ये इसका आंसर रहा। ठीक है, ये आंसर है इसका। और बाकी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट आए मन में और आप पूछो, क्योंकि वो डाउट क्लियर होने चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ये 26 हो गया है और ये राइट आंसर आपका है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, जीरो वाले काट देना है, क्योंकि जीरो की मल्टीप्लाई किसी से भी करो वो जीरो ही हो जाता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब कह रहा है द नंबर ऑफ नॉर गेट आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ बेसिक आर एस फ्लिप फ्लॉप। आर एस फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए दो जो हमारे नॉर गेट हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, और वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये दो हमारे जो नॉर गेट हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नॉर मैंने बताया था, यहाँ पर जीरो लगता है ये इन्वर्जन का काम करता है, यहाँ पर जीरो लगता है ये इन्वर्जन का काम करता है। ठीक है, इसमें दो इनपुट होते हैं, एक इनपुट ये रहा, एक इनपुट ये रहा, इसमें भी दो, एक ये रहा, और एक आउटपुट होता है इनका ये रहा। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों इन जो आउट इनपुट है उनको हमें आउटपुट में जोड़ देते हैं, एक का इनपुट दूसरे के आउटपुट में जोड़ देते हैं, और इसका इनपुट इसके आउटपुट में जोड़ दिया। देख सकते हो आप, ये इनपुट की लाइन जा रही है और ये इसके आउटपुट में लग रहा है, और ये जो आउटपुट की लाइन जा रही है, इसके इनपुट की लाइन जा रही है वो इसके आउटपुट में जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आर एस फ्लिप फ्लॉप है वो तैयार होता है। ये एस हो गया और ये हमारा आर हो गया। ठीक है, एक से सेट, ये रीसेट, बाकी यहाँ पर हमारा आउटपुट निकलेगा ये दो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है कि एग्जॉर हमारा फ्लिप फ्लॉप जो बनाते हैं आर एस फ्लिप फ्लॉप, उसमें दो जो हमारे एग्जॉर हैं वो यूज होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कैलकुलेट ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इफ इफ द थ्री रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम 1 ओम 1 ओम इन इज कनेक्टेड इन पैरेलल ऑर्डर। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस अभी रेजिस्टेंस कभी भी हम पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, क्या क्या फर्क होता है वो सारे मैं बता दूंगा। ठीक है, ये हमने पैरेलल में लगा दिए, ये हमने पैरेलल में बता लगा दिए। ठीक है, ये हमने पैरेलल में लगा दिए। ठीक है, ये हमने लगा दिए पैरेलल में। अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो ये रेजिस्टेंस लगाए कार्बन जो कार्बन के रेजिस्टेंस आते हैं बहुत छोटे छोटे वो हैं। ठीक है, ये हाफ, ठीक है, क्वार्टर वाट के होते हैं, ये क्वार्टर वाट के होते हैं, 1/4 वाट के होते हैं। ठीक है, 1/4 वाट के होते हैं। अब क्या होगा, इनको पैरेलल में लगाने से क्या होगा, हमारा जो करंट जा रहा होगा, ठीक है, जो करंट जा रहा होगा, या तो जो हमारा इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, पैरेलल में लगाने से इसका रेजिस्टेंस जितना पहले रेजिस्टेंस, जैसे इसका हमने इसका है वन, इसका है वन, इसका है वन, ठीक है, इसका है वन, तो ये ओवरऑल 1 1 1 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/r होता है ये, प्लस 1/r और प्लस 1/r और प्लस 1/r इजकल टू आर, टोटल आर। ठीक है, टोटल आर इजकल टू है अपॉन है। ठीक है,
अब जब यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, अब ये वन 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 वन, ठीक है, तो इस तरीके से टोटल होता है। और जब ये पैरेलल में, ये तो सीरीज़ के लिए हो गया, ये इस सीरीज़ के लिए है, ठीक है। सीरीज़ में क्या हो जाएगा, ये सारे प्लस हो जाते हैं, ठीक है, सीरीज़ में सारे प्लस हो जाते हैं, मगर पैरेलल में क्या होता है, ये प्लस नहीं होते सारे, ठीक है। अगर सेम सेम है तो ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस, वो हमारा सेम रहता है, और जो हमारा वाटेज है, जो रेजिस्टेंस की पावर है, कहें शक्ति कहें, जो कहते हैं ना, एक लकड़ी में उतनी ताकत नहीं होती जितनी एक गट्ठे में होती है पूरे, तो उसी तरीके से ये है कि जो ये पैरेलल में हमने लगाए हुए हैं, ये क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस की पावर है, जो इनकी क्षमता है करंट को सहने की और वोल्टेज को सहने की, वो क्षमता बढ़ जाती है। तो ये क्या होगा, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ये हो जाएगा 4/4, यानी कि ये हो जाएगा 1 वाट का, ठीक है। ये क्वार्टर वाट का, ये क्वार्टर वाट का, ये भी क्वार्टर, ये भी क्वार्टर का है, और ये टोटल मिलके 1 वाट का हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो, अगर पैरेलल में हम लगाते हैं रेजिस्टेंस को, तो ये इसका वाटेज है वो बढ़ जाता है। तो इससे आपको एक क्वेश्चन ये भी मिला है कि इसको जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो इसका वाटेज बढ़ जाता है, और जो इसका रेजिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है, पैरेलल में लगाने से। और सीरीज में लगाने से, ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि सीरीज में लगाने से जितना भी रेजिस्टेंस हो रहा होगा वो सारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। दो क्वेश्चन, दो, एक तो मैंने ये बता दिया वाटेज बढ़ जाता है, और एक तो ये बता दिया मैंने कि इसका रेजिस्टेंस सेम रहता है, दो, और तीसरा ये बता दिया कि मैंने जो सीरीज में लगाते हैं वो प्लस हो जाता है सारा, ठीक है। तो ये 1 ओम कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। अब ये आ गया रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ये 4 रेजिस्टेंस, 2, 3, 4, 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब देख, देखो यहाँ पर ये सीरीज में दिया हुआ है, ये यहाँ पर सीरीज में दिया गया है, ठीक है। अब जब सीरीज में मैंने अभी बताया था आपको, इनको सबको प्लस कर देना, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, ये 5, 5, 5, 10, 4, 14, तो ये हमारा 14 ओम राइट आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा, और कुछ है नहीं। बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और भी जितनी भी क्वेरी हो वो आप कमेंट कर दीजिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, जिसमें आपको डाउट है, वो सारे क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका उसको सॉल्यूशन दूंगा और कराऊंगा और समझाऊंगा किस तरीके से होगा। और अपने भाई बहन सभी को जोड़िए, क्योंकि अगले महीने या उससे अगले महीने हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, 9th और 10th की इनके एग्ज़ाम हो जाते हैं। एग्ज़ाम होने के बाद हम 9th और 10th की क्लासें भी स्टार्ट करेंगे। जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनको आप इस चैनल से जोड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैं आपको कराता रहूँगा सारे के सारे। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, जितने भी अभी तो ये जो मैं करा रहा था नोएडा का, ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कराऊंगा कल से लखनऊ मेट्रो का, तो लखनऊ मेट्रो को आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा उसको रीच मिलेगी, उसको बनाने में मेरे को उतना ही अच्छा लगेगा और उतने ही दिल से मैं उसको बना पाऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं।